कैथल में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसने दिन दहाड़े एक भाई ने अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज लड़के की मां और बहन को गोली मार दी, जबकि प्रेम विवाह करने वाली लड़की की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और लड़के की मां और बहन को पीजीआई रेफर किया गया है। आपको बता दें कि कैथल के अनिल व कोमल ने प्रेम प्रसंग के चलते 6 फरवरी को लव मैरिज की थी। दोनों अलग अलग जाति से संबंध रखते थे। लव मैरिज के बाद लड़की पक्ष द्वारा बार बार परेशान करने पर कोर्ट द्वारा सुरक्षा भी ली गई थी, लेकिन लड़की पक्ष द्वारा बार बार लड़की को वापस आने के लिए कहा गया, लेकिन लड़की ने एक नहीं सुनी। आज लड़की के भाई ने कैथल चौधरी मार्बल्स के निकट गली में बने एक घर में घुसकर अपनी बहन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और साथ में लड़के की बहन और माँ को भी गोली लगी है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर आगामी कार्यवाही करती हुई नजर आ रही है। बंसीलाल जी, कहाँ रहते हो? नानकपुरी कॉलोनी खराना रोड चौथ मार्बल। क्या कुछ आपके लड़के का नाम क्या है? क्या कुछ? मेरे लड़के का नाम अनिल है और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से दोनों बच्चों ने, और उसका सिलसिला ये काफी दिनों से परेशान कर रहे थे, धमकियां धमकियां दे रहे थे, कभी माँ आ रही थी, कभी बाप आ रहा था, कभी मामे की धमकी आ रही थी, कभी चाचे भी उनके फोन आ रहे थे। आज भाई आया उसके साथ, एक दो आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी, वो लड़की जो घर में थी कोमल जी उनकी लड़की उनको भी गोली मारी, मेरी घरवाली कांता धर्मपत्नी मेरी उनको भी गोली मारी, मेरी लड़की अंजलि उसको भी गोली मारी, एक लड़का था वो थोड़ा ऊपर था वो बच गया, बाकी परिवार वाले आसे पासे बच गए, बाकी मैं मौके पर नहीं था, जब गली मोहल्ले वाले सारे वहाँ मौजूद थे। अब कितने एक्सपायर हो गए? अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे हैं। जानते हो आप मारने वाले कौन थे? मारने वाला लड़का कई दिन पहले आया था, उस लड़की का भाई है, भाई है उसके, बाप भी आया था, उसकी माँ भी आई थी, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आए थे हमारे घर, उनको कहते हैं कोई बात नहीं ये घर आएंगे मिलना है, कभी मिल जाएंगे, वो घर में एक दो बार आके देख गए मौका हिसाब, उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें ये काम किया है। 6 महीने पहले हुई थी? हाँ बस 5-6 महीने पहले, 5 महीने हो गए, 5-5.5 महीने हो गए। रहने वाले क्या नाम है उस लड़के का? वो क्योड़के हैं जी, एक्सपायर मेरे वो उन्हीं की लड़की हुई है जी, और मेरी घरवाली सीरियस है। कोमल, कहाँ कहाँ गोली लगी है? पता नहीं, अंदर देख, 2-3 गोलियां मारी, हम तो बाहर थे, अंदर बैठे थे। एक उसकी बहन को मार गए, फिर वो उसकी चीख निकली, वो सासू खड़ी थी अगे, वो उसके मार दिया। अच्छा। फिर हमने दादी पोती कमरे में पड़ी थी, हम एकदम खड़का सुने उठी, रोला करके हमने गेट खोल के बाहर भाग दी। हाँ। गली में मारी गोली छोरी को। अच्छा। लड़की को। तो अभी कैसी हालत है? एक तो बतावे सीरियस होगी। हाँ। उनकी लड़की, एक जो सी लड़के की माँ है वो पड़ी है उसके। किस वजह से मारा गया कुछ पता है? किस वजह से मार के गए हैं? वो कोर्ट में जिक्र आई है ना उसने। अच्छा, वो लड़की को बुला पुट्टी ले, वो के मेरा ब्याह हो गया, मैं दूसरा ब्याह नहीं करन दी। हाँ हाँ। उसकी राजी से होया। अच्छा। अपनी मर्जी से होया, खुश बाग बढ़िया रहा। कितने बंदे आए थे, किस चीज पे आए थे? हमने नहीं देखे बेटा, एक लड़का भीतर आया, 16 साल का लड़का है। कितनी पिस्टल वगैरह ले गए गोली चलाने? हाँ, पिस्तौल था इतना बड़ा, पिस्तौल चलाया उसने। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि जो चौधरी मार्बल वाली गली है उसमें कोई फायरिंग की घटना हुई है, उस पर हमारे सचो कंसर्न जो है तुरंत मौके पर पहुंच गए थे, और जैसा कि इंजर्ड यहां पे इलाज के लिए ले आए थे तो उसमें 3 इंजर्ड की हमें सूचना मिली है और लेडीज़ हैं, तो ये मामला इस पर स्टेटमेंट ली जा रही है जो उनके परिवार के मेंबर हैं, और उसके आधार पे हम FIR। सर बता जरा, इंटर मैरिज क्या है जो है? इंटरकास्ट मैरिज जी, कुछ थोड़ा अभी इस स्टेज पे पता चला है, बाकी जैसा वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम FIR। क्या सर, क्या पता चला थोड़ा अभी? देखिए, अभी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, वो जैसा स्टेटमेंट देंगे वो आपको बता दीजिए। कितनों को सर? कितनों को? 3-3 गिरफ्तार कर लिए गए सर? नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन, अभी ये FIR दर्ज करी जा रही है, मैं बता रहा हूँ आपको कि भी अभी हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो उसके आधार